नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक गुप्ता। आज बात करेंगे क्रिकेट से जुड़ी कुछ तमाम बड़ी अपडेट्स की। दोस्तों सबसे पहले जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो है सौरभ गांगुली का बयान। उन्होंने साफ कर दिया है कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सारे मुकाबले होने हैं जितने फिक्स हैं। इसके अलावा हैदराबाद में जो मुकाबले होने की थोड़ी बहुत मंशा साफ दिख रही थी लेकिन उसको नकार दिया है क्योंकि अब मैदान को बदला नहीं जा सकता क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। और दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ नजर डालें तो केकेआर के एक बेस्ट खिलाड़ी शुभमन गिल का एक बयान सामने आया है। दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया है कि वो गेंदबाजी करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन आपको बता दो दोस्तों, जब अंडर 17 और अंडर 19 में वो गेंदबाजी करे थे तो उनके एक्शन को लेकर थोड़ा बहुत सवाल खड़ा हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने तब से गेंदबाजी नहीं की है। अगर कोलकाता नाइट राइडर के लिए कभी पार्ट टाइम के तौर पर गेंदबाजी करते हैं तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। उसके बाद दोस्तों फकर जमान और क्विंटन डिकॉक को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। 193 पर आउट हुए फकर जमान, जहां पर 7 रन से दूर रह गए और क्विंटन डिकॉक ने जिस प्रकार से रन आउट करवाया वो अपने आप में ही एक पेचीदा मुद्दा बन गया है। भले ही दोस्तों फकर जमान का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि मेरी ही गलती है, हैरिस रूफ की तरफ देखना नहीं चाहिए था, मेरे को अपनी पहली क्रीज में पहुंच जाना चाहिए था और क्विंटन डिकॉक तो अपना काम कर रहे थे लेकिन एडन मार्करम ने अचानक से थ्रो फेंक दिया। दोस्तों अगर ध्यान दें तो आप एडन मार्करम का जो थ्रो सीधा विकेट पे लगा है उसकी वजह से फकर जमान आउट हुए हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि फील्डर पहले ही गेंद लेकर तैयार रहता है, किस तरफ फेंकना होता है उसको पता होता है, जिसकी वजह से वो फील्डर का अगर दूसरा इशारा कर रहे हो तो वो फेंक नहीं पाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था एडन मार्करम के साथ जिसकी वजह से उन्होंने सीधा विकेटों पर निशाना ले रखा था फकर जमान का और सीधा उनकी ही विकेट ले ली। और यहाँ फकर जमान का बयान सबको काफी तसल्ली दे रहा है लेकिन पाकिस्तान के फैंस तो सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल बौखला गए हैं क्योंकि फकर जमान का दोहरा शतक जो छूट गया। इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर ये भी है कि क्यों बैंगलोर की टीम अभी तक एक भी खिताब नहीं जीत पाई है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स, कई सारे सोशल मीडिया पर फैंस का ये मानना है कि विराट कोहली अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं जताते। टीम इंडिया को अगर दोस्तों कुछ नगीने दिए हैं तो वो रोहित शर्मा ने दिए हैं, जैसे शुभमन गिल के अलावा जो कोलकाता नाइट राइडर्स में खेलता है। अगर मुंबई इंडियंस की बात करें, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, यहाँ पर कुंदन पांड्या, हार्दिक पांड्या और भी कई खिलाड़ियों के नाम सामने आते हैं जो रोहित शर्मा की कप्तानी में नए चेहरे थे उसके बावजूद टीम इंडिया में शामिल हुए। लेकिन विराट कोहली की कप्तानी में सिर्फ युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज यही कुछ नाम सामने आते हैं। इसके अलावा विराट कोहली किसी पर भरोसा नहीं जताते जिसकी वजह से टीम का बैलेंस हर साल बिगड़ जाता है। जैसे ही टीम अपने आप को डेवलप करती है 11 खिलाड़ी के रूप में, वैसे ही टीम के कई खिलाड़ी को रिलीज करके दोबारा नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है जो अपने आप में ही कई धुरंधर खिलाड़ी होते हैं। इस साल ग्लेन मैक्सवेल शामिल हुए हैं लेकिन इससे कई साल पहले क्रिस गेल खेला करते थे जो ग्लेन मैक्सवेल के भी कह सकते हैं बहुत ऊपर लेवल के पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं। उसके बाद दोस्तों अगली रिपोर्ट्स की तरफ नजर डालें तो जहां पर डिकॉक की गलती बताई गई दोस्तों, वहां पर डिकॉक को लेकर सोशल मीडिया पर अलग ही बवाल मचा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात यह देखने को मिल रही है कि जो श्रेयस अय्यर हैं उनकी इंजरी अपडेट सामने आई है कि 8 अप्रैल को इनकी इंजरी का सर्जरी होना है, जो कंधे पर चोट आई है। उसके बाद इनकी जो सैलरी होती है आईपीएल की 7 करोड़ रुपए, अगर ये पूरा आईपीएल मिस भी कर दिए हैं क्योंकि इंजरी होने के जो सर्जरी होगी उसके बाद 4 से 5 महीने बेड रेस्ट होगा, उस बेड रेस्ट के दौरान जो आईपीएल का सीजन मिस होगा उसमें जो उनकी 7 करोड़ सैलरी बनती है वो इनको मिलेगी क्योंकि आईसीसी और बीसीसीआई के कुछ नियम ऐसे बने हुए हैं कि अगर कोई खिलाड़ी कोई इंजर्ड हो जाता है या किसी खिलाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है या आपातकाल में उसको कहीं किसी वजह से जाना पड़ता है जो टीम इंडिया के दौरान ही हुआ हो तो उस खिलाड़ी की सैलरी उसको मिलती रहेगी ताकि वो मैदान से दूर रहने के बावजूद भी अपने सपनों और अपने घर वाले की सारी जरूरतों को पूरा कर सके। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी अपडेट्स सामने आई है। इसके अलावा दोस्तों और बड़ी अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर अगर नया चेहरा दिल्ली कैपिटल्स का इस बार ऋषभ पंत है तो दूसरी तरफ हम संजू सैमसन को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस बार आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करेंगे संजू सैमसन। ये बात साफ है दोस्तों कि बहुत ही खतरनाक मुकाबला देखने को मिलेगा क्योंकि आईपीएल का अब रंग रूप बदलने वाला है। एक तरफ युवा कप्तान ऋषभ पंत तो दूसरी तरफ सबसे एक्सपीरियंस कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल मैच नंबर 2 होगा, 10 अप्रैल को खेला जाएगा। लेकिन पहले मुकाबले की बात करें दोस्तों, उसकी प्लेइंग 11 बड़ी धाकर दिखने वाली है जिसकी अपडेट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आज की कुछ बड़ी अपडेट्स यही सामने आई है। भले ही दोस्तों कोरोना वायरस काफी तेजी से बढ़ रहा हो लेकिन आपको बता दें कि सौरभ गांगुली का बयान यही है कि कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि यूएई में भी जब पिछले साल मुकाबले हुए थे तब भी कई कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए थे लेकिन बिल्कुल ही आसानी तरीके से कह सकते हैं, थोड़ी बहुत मुश्किलें आई थी लेकिन आईपीएल का सीजन पार हो गया था। एक बार जो बायो बबल में आ जाता है फिर उसके बाद उसका क्वारंटाइन सेशन, कोविड-19 इन सब के खतरे बहुत कम हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों तमाम बड़ी अपडेट क्रिकेट से जुड़ी। अब नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे जहां आपको ऐसे ही फटाफट बड़ी अपडेट्स पहुंचाएंगे। नमस्कार दोस्तों।